लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह वाह, क्या जच रहे बेटा, खुश रहो खुश रहो। चलो चलो, टाइम हो गया। कौन है, कौन है? छोटे ठाकुर, आप ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, सगाई के लिए शगुन लाए हैं। ये सगाई की पान सुपारी नहीं, तुम दोनों की मौत की सुपारी है। अगर तुम लोगों ने सगाई के लिए मेरे भाई के घर जाने की जरूरत की तो ये नारियल तुम्हारे सर पर फोड़ूंगा और ये हल्दी कुमकुम तुम दोनों की लाशों पर छिड़कूंगा, समझे? ठाकुर साहब, शादियां तो भगवान की मर्जी से होती हैं, अब हम तो ठहरे इंसान। जी सही कहा। ठाकुर साहब जी, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर कहां है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, मैं देखता हूं। प्रताप सिंह, क्या हुआ? अरे घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों अभी तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो। प्रताप सिंह, जवाब क्यों नहीं देते? लाशें भी कभी जवाब देती हैं। लाशें? क्या मतलब है तुम्हारा? सरकार, ये थाल देख रहे हैं? ये हमारी अंतिम यात्रा का सामान है। ये नारियल हमारे सर पे फोड़ा जाएगा और ये हल्दी हमारी लाशों पर छिड़की जाएगी अगर हम सगाई करने के लिए आपके घर में कदम रखे तो। किसने की ये बदतमीजी? भगवान झूठ ना बोलवाए, एक ये सारे गांव में आपका सौतेला भाई। वो कौन होता है मेरे घर के मामले में दखल देने वाला? चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं, वो रास्ते में दीवार बन के खड़ा होगा। नहीं, जब वो सामने आएगा तो मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। अब डरने की जरूरत नहीं, चल बेटा चल। समधी जी बधाई हो। बंद करो ये सगाई। तू कौन होता है मेरी बेटी की सगाई रोकने वाला? नीला सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, मेरी भतीजी भी है और ये सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। ठाकुरों के घरों में लड़कियों की सगाई उनकी मर्जी से नहीं, बाप दादाओं के फैसले से होती है। जमाना बदल गया है ठाकुर साहब, आजाद हिंदुस्तान में बालिग लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। नीला, ये सगाई तुम्हारी मर्जी से हो रही है तो फिर देख क्या रही हो, आगे बढ़ो और आओ मेरे पास। अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। तेरी लाश जाएगी। चलाइए गोली पिताजी, आपके गुनहगार मैं हूँ, चाचा नहीं। अगर आपके अहंकार की प्यास सिर्फ मेरे ही खून से बुझ सकती है तो बहा दीजिए मेरा खून। आपकी परेशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी और मेरी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। कम से कम मर कर तो मैं उसकी हो जाऊंगी जिसे मैं प्यार करती हूँ। चलाइए गोली। चलो नीला। गोली चलाइए, उसकी पीठ है। ठाकुर पीठ पर वार नहीं करते। आप कौन? इस सज्जन को दुर्जन कहते हैं। मगर छोटे भैया तो घर पर नहीं है। मालूम है, मैं तो नीला को पीला करने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब नीला की शादी भैरव से होगी, इसीलिए मैं उसे लेने आया।
मेरी तरह मत भोग। नीला की शादी उसके साथ होगी जिससे वो प्यार करती है। चला जा यहाँ से, नहीं तो मेरे भैया तुझे जमीन में गाड़ देंगे। चल। नीला। मुझे देख के भाग रही है, भाग, कहाँ तक भागेगी? तू क्या लुका छुपी खेलना चाहती है? खेल खेल, मैंने तो बचपन में बहुत खेला था, आज फिर खेलते हैं। सोच रही होगी कि शायद तुझे बचाने के लिए तेरा बाप आएगा। वो ठाकुर है, असली ठाकुर। मरते मर जाएगा लेकिन तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। ठाकुर को अपनी बेटी नहीं इज्जत प्यारी होती है। चल। सुनिए, आपने नीला की आवाज नहीं सुनी? वो गुंडे हमारी बेटी को उठा कर ले जा रहे हैं और आप बुद बन कर बैठे हैं। कुछ तो कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हमारी बेटी को बचा लीजिए, हमारी बेटी को बच जाइए। मेरी बेटी मर चुकी है। नीला को छोड़ दे, नहीं तो काट कर फेंक दूंगी। लो, मेंढकी को भी जुखाम हो गया। ये दुर्जन सिंह को सब्जी समझकर काटने आई है। ए, एक दो से लग जाएगा तो खून निकल आता है। अरे बिजली, ये राजू कहाँ है? अरे वाह रे मेरे शेर, तुम्ही ने तो सामान लेने शहर भेजा है, आता ही होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ए, किसी दिन इस बिजली को मत भूल जाना, वरना ऐसा करंट मारूंगी कि जोर का झटका धीरे से लगे। काट डालूंगा। दीदी, दीदी देखो मैं सब सामान ले आया हूँ। दीदी, दीदी ये क्या हो गया? दीदी नीला, क्या हुआ? दुर्जन, बड़ भैया, बड़ भैया। बाबूजी, बाबूजी, उस शराब के कॉन्ट्रैक्टर ने सीता दीदी को छुरा मार दिया है और वो आपकी बेटी को भी उठा कर लेकर गया है। वह सीता दीदी दम तोड़ रही है, मरने से पहले एक बार आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। खामोश, गोली मार दूंगा अगर उस नीचजात की लड़की को मेरी बहन कहा तो। निकल जाए ऐसे। धनिया, इस नामुराद को धक्के मार के निकाल दो और इस जगह को गंगा जल से धो डालो। राजू, फौरन डॉक्टर को लेकर आओ, मैं सीता को देखने आती हूं। पार्वती, देर मत करो, जाओ। अरे वो नीला को गुंडे जबरदस्ती जीप में बैठा कर ले जा रहे हैं। चलो चलिए। सीता, सीता ये क्या हो गया? भगवान, आंखें खोल मेरी बच्ची, आंखें खोल, ये क्या हो गया? राधी ठाकुर, मैं नीला को बचाने भाभी तेरे तुल भैया भैया नहीं आए। नीला को दुर्जन सिंह जबरदस्ती उठा कर ले गया। जल्दी करो, जैसे ही लड़की आ जाए तुम शादी की रस्म शुरू कर देना। अरे दुर्जन बाबू संभाल के, फूलों से भी नाजुक है मेरी होने वाली बहू। We'll be right back.
देख बहन, मैं आ गया हूँ सीता। सीता, मेरी बहन। भैया, मेरे घमंड और मेरी जिद ने अपने ही खून को गलत समझा और उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आप कैसे बात कर रहे? मुझे मेरे बड़े भैया मिल गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब मैं चैन से मर सकूंगी? नहीं, नहीं मेरी बहन, नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अपनी जान देकर भी बचा लूंगा तुझे। ठाकुर साहब, इन्हें फौरन शहर का अस्पताल ले जाइए। चल। Oh,
माफ कर दीजिए। कमीने! ठाकुर साहब, भगवान झूठा बोलवाए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर माफ नहीं करते, ठाकुर साफ कर देते हैं। भगवान झूठ ना बोलवाए। Yeah.